नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। सो टुडे वी गोइंग टू टेक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट टॉपिक को लेने से पहले, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए अपनी डेमोक्रेसी, अपनी सोसाइटी और अपनी कंट्री के लिए। जहां तक हो सके नॉन वायलेंस पे चलिए और आने वाली जनरेशन को सेफ एक सोसाइटी दीजिए, ताकि वो लोग अपने इकोनॉमिकल कंडीशन और आपकी साइंस और नेचर पे और टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जिस तरीके से आपकी हेल्प हो रही है दूसरों की भी हेल्प हो सके, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आए तो वो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट के लिए हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो फ्रेशर एडवोकेट हैं उनके लिए हम इन्फॉर्मेशन ये देते हैं, और जितने भी निर्दोष लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, जो कि लॉ के अभाव में या फिर डर के कारण वो कोर्ट नहीं जा पाते हैं, या फिर उनके अंदर एक डर होता है कि मुझे 41A या फिर अदर नोटिस आ गई है तो अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, ताकि लोगों तक अवेयरनेस फैला सकें और अपनी सोसाइटी को क्राइम फ्री बना सकें। चलते हैं सर के पास, विशेष कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर, आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर बात करेंगे, 15 हम लोग बना चुके हैं जी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये व्यक्ति के सिविल अधिकार, इन्फोर्समेंट ऑफ पर्सनल सिविल राइट, ठीक है, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के को लागू करने का ये अधिनियम है। तो ये 1963 में जब कंट्री अपना स्वतंत्र हुआ, उसके 14 वर्ष बाद ये एक्ट बनाया गया, ठीक है, 14 ईयर्स आफ्टर। और ये पूरे इंडिया में लागू है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अब मौजूदा समय में धारा 370 खत्म कर दी गई, तो अब पूरे देश पे प्रभावी हो गया जी, ठीक जी। अब ये सिविल अधिकारों की गारंटी है, ठीक। सिविल अधिकार क्या चीज है वो भी समझ लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये सिविल अधिकार व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में अधिकार हुआ, ठीक, आपके पद के बारे में वो अधिकार हुआ, राइट। इसके अलावा धर्म के बारे में, ठीक है, तो ये हो गए सिविल आपके अधिकार, राइट्स हो गए। और उनका इन्फोर्समेंट के लिए कि वो कैसे आपको सिविल राइट प्राप्त हो, उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लाए। बड़ा टफ एक्ट है, ठीक है, लेकिन सिविल में इसी एक्ट के अनुसार जो अपनी सीपीसी है, सीपीसी के अंतर्गत जो केस फाइल होते हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ही उनको वो रेमेडी मिलती है। जैसे अभी तक मैंने बताया, 1 से 14 सेक्शन तक मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर एक्सप्लेन किया है, जिसमें अगर कोई आपका हक है, कोई ज़बरदस्ती बेदखल किया जाता है, ठीक है, तो उसमें लिमिटेशन भी है, 6 महीने के अंदर अगर कोई दावा प्लेंट लाता है धारा 5 में, इस तरह से सब सेक्शन वार मैंने बताया है, तो उसमें आपके अधिकार रिस्टोर हो सकते हैं, ठीक है जी। सिविल कोर्ट में आप प्लेंट डालेंगे और उसके बाद आपको वो प्लेंट आपके पक्ष में डिसाइड होगा और आपको कोर्ट ऑब्जेक्शन दिलाएगी। तो इसका इन्फोर्समेंट सिविल कोर्ट के द्वारा होगा, ठीक। ये सेक्शंस, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये पेनल जो राइट्स हैं वो नहीं है इस पर, जो मतलब क्रिमिनल एक्ट हैं उसका, इसका उस पर इन्फोर्समेंट नहीं है जी, ठीक है। जो आपराधिक केसेस हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है जी। तो ये मैंने बता दिया आपको, इसमें मैंने 15 सेक्शन तक बताया है, ये तो आज हम बताएंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, है ना, एग्रीमेंट टू सेल। इसमें है जैसे ट्रस्ट है, ट्रस्टी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें इसमें बहुत मटेरियल है, ठीक है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ जी, ठीक। अब सेक्शन 16 में यह है बार ऑफ सिविल राइट जी, कहाँ कहाँ इसको इनकी सब इस कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, जैसे एग्रीमेंट टू सेल मान लीजिए, तो उसमें कहाँ रेमेडी पर्सनल आप प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ बार है, ये है धारा 16, ठीक है। कब आपको इंडिविजुअल राइट प्राप्त हो सकते हैं, इनकेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो जहाँ ये है कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है,
कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कोई संविदा, कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं संविदा, संविदा है जी, उस संविदा में अगर इंडिविजुअल राइट नहीं है ठीक, तो उसको आप प्रभावी नहीं बना सकते जी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ठीक है। नंबर दो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है ठीक है, या आपका उसके प्रति विलिंगनेस सही नहीं है, मतलब सद इच्छा से आपने उस कार्य नहीं किया, नहीं किया जी ठीक है, या आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, तो फिर उसका इन्फोर्समेंट नहीं कराया, नहीं कराया जा सकता जी ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के भी बेसिस पर बनाया गया है ठीक है, या उसका पार्ट वर्क हुआ है पार्ट नहीं हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना, उसका इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता जी, या आप उसको प्रमाणित ना कर पाओ कोर्ट को, अगर आप सबूत नहीं दे पाते हैं अपनी बिलिंगनेस का जी, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल है ठीक, उसमें लिमिटेशन होती है, उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, वो नहीं पूरी हो जाती है, जैसे उसमें 3 वर्ष का आपने कोई एक साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि साहब इतने दिन में मैंने इतना अमाउंट पहले फ्री दिया है और इसको इतने दिन में पेमेंट कर देंगे, तो 3 साल में एग्रीमेंट टू सेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम वो विपक्षी पार्टी उस पर आके डीड कर देगी ठीक है, और इन केस आप नहीं देते हैं, बिलिंगनेस 3 साल समय बीत जाता है, तो उसमें ये होना चाहिए कि वहां बार कर जाएगा जहां आपकी इच्छा ना हो, आप पैसा देना ना चाहते हैं और उसको टाल रहे हैं, लिमिटेशन खत्म हो जाए जी, जी। आप उसको कोर्ट पे प्रूफ ना कर पाओ तो भी वो बार करेगा जी, पर्सनल राइट ठीक है। ये है सेक्शन 16 और 17 में यही चीज है हूबहू, लेकिन उसमें कुछ अंतर के साथ है, जहां आपकी राइट ही नहीं है, है यही चीज, जैसे इसमें सेक्शन 1 में मैंने बताया 16A में जो पहला पॉइंट है वो यही है कि वहां राइट बार कर जाता है जहां आपकी हकीकत ही ना हक ही ना बनता जी, तो उसमें कोई राइट नहीं पा सकते आप है ना, परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वहां प्रभावी नहीं होता इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। सेक्शन 17 में है कि जहां ये है कि डीड ही जब आपका आपका नाम कोई खाता ही नहीं है और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो उसके बारे में जी, पट्टा कर दिया हो किसी को है ना, किसी तरह का कोई उसमें राइट नहीं बनता जी ठीक, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बार करते हैं, वो पर्सनल राइट से बार करें बार करेंगे ठीक है, उसमें कोई राइट नहीं मिल सकता जी। तो सेक्शन 16 और 17 ये है कहाँ राइट बार करता है और कहाँ नहीं बार करता जी ठीक। तो ये दोनों सेक्शन में अभी तक तो बताया था कहाँ आप उसको पर करा सकते हैं इन्फोर्समेंट लॉ का करा सकते हैं, और जहां यह है कि आपके नाम खाते पट्टी नहीं आप किसी से एग्रीमेंट कर लेते हैं ठीक है जी, तो वो बार करेगा, उस पर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का असर नहीं पड़ेगा जी। तो इन दोनों सेक्शन का यही निचोड़ है ठीक है। अब उसमें अगर कोई कोर्ट में जाते हैं तो एक तो ये प्रभावित ये आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी इच्छा शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावी करने की थी ठीक है, आपने अग्रिम धनराशि दी है ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप दूसरी पार्टी को बताते रहे है ना कि आप ये इतना पैसा पकाया हम इसको देने के लिए तैयार है ठीक है, और ये चीज आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा जी है ना। अगर विपक्षी नहीं आते हैं और आप एक्सपर्ट एक तरफा अगर आप एविडेंस दे ले जाते हैं तो भी इन्फोर्समेंट हो सकता है। तो इसमें दोनों सेक्शन में यही है
कि एक तो विलिंगनेस हो कॉन्ट्रैक्ट के प्रति, अधूरा अगर आपने दिया है तो भी नहीं हो सकता, अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते कॉन्ट्रैक्ट को तो भी नहीं उसमें कोई स्पेसिफिक रिलीफ हो सकती है, ठीक है जी। या सेक्शन 17 में आपने कोई डीड जहां आपका टाइटल मतलब आपके नाम कोई खाता पट्टी हो ही ना जी, और आप किसी को कोई डील कर दें, कोई आप पट्टा कर दें, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर दें, अग्रीमेंट टू सेल लिख दें, तो वो उस पर प्रभावी नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, तो ये धारा 16 और 17 हो गए, ठीक है। आज हम लोग इसी वीडियो पे इतने पे बनाने वाले, ठीक है सर, थैंक फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स आपने देखा किस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया 16 और 17 को। अगर आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, हो सकता है कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ आप सजेशन दीजिए या फिर क्वेश्चन पूछिए, हम ट्राई करेंगे उसको इम्प्रूव करने की। हम इसमें थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहते हैं लोगों जी, है जी ना? नहीं, बहुत से लोगों का सर ये आ रहा है, आंसर आ रहा है कि यहाँ पे सर ने जो बताया है इसमें ये अमेंडमेंट आ चुका है और ये चीज़ चेंज हो चुकी है, तो हाँ लोगों का सजेशन जरूरी है क्योंकि हो सकता है हमारा कोई पॉइंट मिस हो गया हो या हम कोई चीज बताने में, जैसा हम एक्ट एक बार बनाते हैं जी, फिर अमेंडमेंट जरूरत पड़ती तो हम फिर दोबारा बताते हैं जी, ठीक है जी। हर चीज में बहुत अमेंडमेंट आया, अपडेट आया जी, सारी चीजें एक साथ नहीं बताई जा सकती, तैयार किया जा सकता, बहुत वाइड रेंज है लॉ का जी, ये छोटी मोटी चीज है नहीं जी, जी। और हम लोग एक समय में पढ़े हैं वो सारा दिमाग से उतर जाता है जी, एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली हमारे यहाँ सिर्फ 2-3 धारा का प्रयोग होता है, एग्जैक्टली, ठीक ना, जितना सिविल है जी, बस 4-6 सेक्शन के अंदर सारा सिमट जाता है, ठीक है। तो इसलिए वकील को एक सेक्शन के विषय में तो डीपली नॉलेज होता है, लेकिन इन जनरल जो है उसको पूरा नहीं नॉलेज नहीं हो सकता, उसको पढ़ लिख के ही थोड़ा बहुत बताया जा सकता जी, एग्जैक्टली। नहीं, बहुत से लोगों का सर सजेशन आता है, कोई ऐसा कोई टोन वाइज वो नहीं रिप्लाई करते हैं उनका, एक कि सर ने ये चीज जो बताई है इसमें एक नया अमेंडमेंट आया है, वो मतलब बताना चाहते हैं कि ये चेंज हुआ है, तो उसको चेंज तो बराबर होते रहते हैं, ठीक है। और सर मैंने देखा है कि ऑल ओवर इंडिया में भी आपका लॉ जो है कंसिस्टेंट नहीं है, वो हर स्टेट में चेंज होते रहते हैं, थोड़े एक्सप्लेनेशन भी बढ़, जैसे अब उसी में लोअर कोर्ट हाई कोर्ट जी है ना, माननीय उच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है उसके अनुसार उसका एक्सप्लेनेशन बदलता रहता है, लॉ में रोज किसी चीज को उसी को वैलिड मान लेते हैं, उसी को इनवैलिड मान लेते हैं, तो इनकंसिस्टेंसी है। जैसे सर अभी कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले ये आपका बिटकॉइन को लीगली मान लिया है कोर्ट ने, हाँ, तो कोर्ट का ओपिनियन बदलता रहता है, यही कहा ना, जिसे बहुत कुछ वकील के प्रेजेंटेशन पे होता है जी, है ना जी, और कोर्ट का फिर व्यू बदल जाता है, ठीक है। जो बेसिक लॉ है उसके अनुसार जब कोई एक्सप्लेनेशन होने लगता है तो प्रैक्टिकल जो होता, देखिये एक चीज प्रैक्टिकल है और एक लॉ है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सही है, बाई लॉ अगर वही चीज है तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो उसमें। अब जैसे बतावे आप सेल डीड होती है, ठीक है, डीड उस दिन हो जाती है जिस दिन बातचीत हो और एक एडवांस दे दिया, एडवांस मनी दे दिया, ठीक है, और कंप्लीट वो तब होती है जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है, कोर्ट विधिक मान्यता यही है और यही केस जीत भी रहे, लेकिन प्रैक्टिकल में ये है कि अभी तक जो मैंने तो वकालत करी है 10-20 साल में जानता हूँ, लोग बैक डेट में स्टाम्प खरीद लेते हैं, ठीक, एक आदमी ने सही डीट खरीदा और उसको खरीद मतलब रजिस्ट्रेशन करा लिया सेम डे, उसी दिन स्टाम्प खरीदा उसी दिन रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसको क्या पता था। अब स्टाम्प जो वहाँ इशू होता है लोग हफ्तों रखे रहते हैं स्टाम्प बंडल, और बैक डेट में उन्होंने एक दिन पहले में उसको सेल कर दिया उसी संपत्ति को, सेम संपत्ति को दो बार। ज्यादातर वही केसेस जीतते हैं जो पहले, लॉ में यही है कि जो जिस दिन डीड हो जाए लिख जाए, भले रजिस्ट्रेशन चाहे मतलब 120 दिन का उसमें लिमिटेशन है ना कि इतने दिन में रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, और अगर कोई आदमी फॉल्स बेईमान है वो फोर्जरी करके कोई स्टाम्प खरीद लेता बैक डेट में, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन अगर उसने करा लिया तो बैक डेट वाला मुकदमा जीत जाता है। ऑनेस्टली तो उस आदमी ने जिसने जालसाजी करके बैक डेट में उसका हक नहीं बनना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सैकड़ों जजमेंट है,
ज्यादातर ऐसे हमारे अड़ोस पड़ोस के तमाम केसेस दो तीन चार तो मेरे नॉलेज में है जिसमें वो आदमी जिसने सही जमीन खरीदा जिसने सही पैसा दिया वो हार गया और जिसने जाल किया वो जीत गया। जी ये मेरा एक्सपीरियंस। जी और उम्र भर लड़के हार गए उनको वो जमीन नहीं मिली और जिसने जालसाजी करके बैकगेट में स्टाम्प खरीद के रजिस्ट्रेशन करा लिया उसका केस जीत गया। जीत गया जी। 30 साल बाद सारा सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया उन्होंने ला के हिसाब से डिसाइड कर दिया केस। तो सर उसमें लेकिन प्रैक्टिकल उन्होंने तहसील में तो वकालत करी नहीं जी। उनको ये पता नहीं कि हाँ यहाँ क्या जालसाजी होती है जी। और ना उनके नॉलेज में लाया जाता है जो केस अपने हिसाब से लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो वो चूंकि वो लॉ के संरक्षक हैं और लॉ का एक्सप्लेनेशन जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से केस मेड आउट करता जी, फाइनलाइज होता है। ठीक है। और सही गलत तो लोग नीचे से जान सकते हैं। ग्राउंड लेवल से जो वर्क करता है उसको प्रैक्टिकल जानकारी है कहाँ बेईमानी। हम जानते हैं केस जो सही आदमी होता है वो हार जाता है और जो गलत आदमी होता है वो जीत जाता है। जी ठीक है। ऐसे वकील को पता है कि इसमें सही क्या है जी। लेकिन वो जजमेंट तो जज करता है ना। वो अपना केस कितना भी सही करे लेकिन जब तक वो ला के पैराए में नहीं होता तब तक वो प्रमाणित नहीं हो सकता जी। एग्जैक्टली है ना। वो मुकदमा हार लूज कर जाता तो वकील उसको इसीलिए तो बयान देने लगते हैं तो लोग कहते हैं भैया यहाँ अदालत नहीं लगी है झूठ मत बोलो। तो अदालत क्या झूठ बोलने के लिए जी एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल लॉ में ये अंतर जी। हाँ सर कहीं कहीं ना कहीं जैसे हमारा कानून कहीं ना कहीं कुछ कमजोर पड़ जाता है। ये कमजोरी है ये सर। और इसको हम क्या कहें ये एक तरीके से सही भी है और गलत भी है। बैकडोर ओपन है। एक जो कंफ्यूजन है यहाँ से ऊपर तक लोअर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट तक ठीक है उस पर लोग जितने सेमिनार होते हैं वकीलों के सब चापलूसों का अड्डा है ऊपर से नीचे तक जी। ठीक है। और सर्वाइवल इस देश में ऐसे लोग ज्यादा करते हैं जी है ना जी। वही चुनाव जीत सकते हैं वही सब कर सकते हैं। तो इस पर सब पर चर्चा करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं जी है ना। और ना उस पर बहुत ज्यादा नहीं हमारे सर चैनल पे ये रेगुलर क्वेश्चन आता रहता है कि जैसे एडवोकेट से बहुत से लोग परेशान है पैसा भी ले लेते हैं उसके बावजूद भी वो यही चीज तो मैं कहता हूँ वकील जजमेंट तो करता नहीं रिजल्ट नहीं दे पाते हैं रिजल्ट। और ना वकील से ये किसी को उम्मीद करना चाहिए कि जजमेंट हमारे पक्ष में करा लेंगे जी। लेकिन लेकिन तो लेकिन सर लेता है काम करने का ना। डॉक्टर के पास जैसे आदमी जाता है या फिर एडवोकेट के पास जाता है तो रिजल्ट समस्या डॉक्टर के पास भी है जी। दवाई वो कर सकता है जी। और मरने जीने का काम तो ईश्वर का है वो जिसका जितना दिन निश्चित कर दिया उसको उतने दिन रहना है। एग्जैक्टली है ना जी। ऐसे हम जी जब अदालत पर जाते हैं तो कसम खा के बयान दे दिया हमने तो उसको मान लिया जाएगा 100% की हमने सही कहा। कोर्ट तो उस पर डिसीजन करती है ना। अब हम कसम खा के भी झूठ बोलते हैं तो उसका क्या इलाज है। या तो फिर उसके लिए पेनलाइज और वो इतना टफ केस है कि सिविल केस अलग है क्रिमिनल केस अलग है जी। और कहाँ तक आदमी पैर भी करे जी है ना जी। तो ऐसे ही स्थित है कोई जजमेंट जो है कुछ चीजें तो ईश्वर के ऊपर ही है ना जी। बहुत कुछ आदमी अगर सतर्क है तो उसको अपने हिसाब से कानून के हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ती है ना जी। ठीक है सर थैंक फॉर योर टाइम। व्यूअर्स आपने देखा किस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए कोई सजेशन है तो वो दीजिए। थिंक पॉजिटिव रखिए। हो सकता है अपनी जुडिशरी सिस्टम में थोड़ा टाइम लग रहा हो पर जस्टिस जो मिलेगा वो न्याय को ही मिलता है। सर का भी यही एक्सपीरियंस रहा है देर सवेर न्याय को ही मिलता है। हो सकता है 0.01% हो ऐसा जो जजमेंट गलत आ जाता हो या फिर निर्दोष फंस जाता हो लेकिन आप पेशेंस रखिए आगे अपनी लड़ाई जारी रखिए आपको जरूर न्याय मिलेगा। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।